इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में ऑडियो में या लिख कर लेकिन याद रहे कि जो सवाल हमको वीडियो या ऑडियो में मौसू होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो कम से कम अल्फाज पर मुश्तम हो इसी तरह आपका सवाल बामकसद हो उस पर अमल की जरूरत हो इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आप अपने सवाल हम तक भेजेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँच जाए तो नाजरिन आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं हमारे पास सबसे तो पहले कुछ सवाल हैं। वीडियो में उनको देखते हैं देखते हैं पहला सवाल अलकम वरहतल मैं किशनगंज बिहार से मेरा सवाल ये है इस्लाम में बताया गया है कि बाप दादाओं ने जिससे शादी के वो हराम है लेकिन शेख मैंने देखा अक्सर गाँव की तरफ ऐसा होता है कि उनसे मजाक किया जाता है ऐसे ही पोता लोग मजाक करते हैं तो ऐसा एक इसका मजाक करना कैसा है शादी माम के मामले को लेके मजाक करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा या फिर ऐसे ही बोला जाता है मजाक करना कैसा है ऐसे और हम लोग अपने बेटा और बेटियों को कभी प्यार से माँ बोलते हैं बेटियों को और बेटा को अगर बाप बोलते हैं तो ये बोलना कैसा है ऐसे असलकुम वरहुल्ल ये हमारे भाई साहब हैं इन्होंने एक सवाल किया है सवाल का जो शुरू का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ही वाज नहीं हो रहा है ये क्या कहना चाहते हैं इन्होंने कहा है कि इस्लाम में इस बात से मना किया गया है कि बाप दादा ने जिनसे शादी की उनसे शादी करो तो ये देखे सूर नसा सूर चार और आयत बाईस में अल्लाह तला ने कहा वालतान की हूँ माँ ने कहा आबाकुम मिन नसाई कि तुम्हारे बाप ने अब यहाँ बाप दादा भी कह लें कि तुम्हारे बाप दादा ने जिनसे शादी की है जिन औरतों से उनसे तुम शादी नहीं कर सकते तो ये तो कुरान में बिल्कुल वाजह है इसमें तो किसी को शक व शुबा नहीं है कि बाप दादा ने जिनसे शादी की है बाप ने जिनसे शादी की है वो बच्चे की माँ होगी और बाप के बाप ने यानी बाबा ने जिससे शादी की है वो दादी होगी तो इनसे शादी करना हराम और नाजायज है इसकी तरफ़ इशारा करके भाई साहब पूछ ही रहे हैं कि हमारे यहाँ मजाक मजाक में कुछ होता है अब इस आयत से कैसे उन्होंने जोड़ा है उस मजाक को वो मेरी समझ से बाहर है मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ इसलिए भाई साहब अगर इसको वाजह करके दोबारा भेज सके तो शायद मैं जवाब दे सकूँ लेकिन ये जो आपने शुरू में कहा है आयत की तरफ इशारा किया है उर्दू में आपने कहा आपने आयत नहीं पढ़ा लेकिन उर्दू में जो कुछ कहा है उसका मफहम इस आयत से मिलता है लेकिन आपकी बातें इस आयत से कनेक्ट नहीं हो रही आपकी बातों में यह है कि कोई शख्स से मजाक मजाक में किसी को कह देता है यानी किसी को बाप कह देता है किसी को माँ कह देता है यानी हकीकी जो रिश्ता है एक तो ये कि जिससे शादी मुमकिन नहीं है उसके बारे में कोई ऐसा जुमला बोल देना और दूसरा ये कि जो हकीकी रिश्ता है उसके बरखिलाफ़ कोई बात बोल देना जैसे बाप अपने बेटे को बाप बोल दे तो इस तरह से मजाक मजाक में बोलना कैसा है तो देखिए मजाक मजाक में भी इस तरह बोलना दुरुस्त नहीं है जो हकीकी रिश्ते हैं उन्हीं रिश्तों के हवालों से एक दूसरे के साथ बात होनी चाहिए मजाक में भी गलत बात और खिलाफ हकीकत बात नहीं बोलना चाहिए तो खिलाफ हकीकत बात नहीं बोली जा सकती है चाहे मजाक हो आदमी मज़ाक में हो या संजीदा हो किसी भी तरह खिलाफ हकीकत बात नहीं बोलना चाहिए तो ये दुरुस्त नहीं है कि एक आदमी ऐसे अपनी बेटी को माँ बोले या वह बोले भाई जो उसकी बेटी है बेटी के नाम से पुकारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, की ज़िंदगी में सहाबिक राम की ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं मिलता है कि प्यार मोहब्बत से जो असल रिश्ता है उसके बरखिलाफ़ कुछ और बोले ऐसे कभी किसी के मुँह से निकल गया एक अलग चीज़ है लेकिन दानिस्ता तौर पर बतौर मजाक किस तरह से बोलना ये मुनासिब नहीं है ये दुरुस्त नहीं है बाकी ये कि जो शुरू में आपने कहा है उससे इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं देखता है क्योंकि वो जो कुरान की आयत है ना वो तो संजीदा से आप में है कि इनसे कोई शादी नहीं कर सकता है तो वो तो वैसा नहीं है जो आपने मजाक वाली बात की है मजाक वाली बात में भी उस आयत के खिलाफ कोई नहीं जा रहा है कोई शादी करने नहीं जा रहा है ऐसे मजाक मजाक में बोल रहा है तो ऐसा नहीं उसद की ख़िलाफ़ वर्जी तो नहीं होती है वहाँ शादी की बात तो नहीं है लेकिन बहरहाल मजाक मजाक में खिलाफ हकीक़त बात की जा रही है और मजाक में या किसी भी शक्ल में खिलाफ हकीकत बात करने की गुंजाइश नहीं इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए ये जो कुछ हम समझ सकें आपके सवाल को सुनकर उस रोशनी में हमने आपके सामने वजात की है शायद ये बातें आपके लिए काफ़ी हों आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असल वरहि वर्का मेरा सवाल ये था औरगन्स डोनेशन यानी बदन के जो पार्ट्स मरने के बाद डोनेट करते हैं गैर तो मुस्लिमों में और शायद कुछ मुसलमान लोग भी करते हैं क्या ऐसा डोनेशन जाहिर है सही है इस्लाम की रहनमाई में कुछ बताइए इसके बारे में एक भाई साहब हैं दो सवाल हैं इनका पहला ये कि आजा को डोनेट करने के तल्क से तो देखिए इसकी बहुत सारी किस्में हैं बहुत सारी शक्लें हैं और अक्सर इसकी शक्लों में इतना पाया जाता है हम पूरी तफसील तो आपके सामने नहीं रख सकते इस टॉपिक पर अरबी में उर्दू में बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं बहुत लंबे चौड़े मकालत लिखे जा चुके हैं उन सब का ख़ुलासा आपके सामने नहीं रखा जा सकता लेकिन आम तौर से जो ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है और जो ज़्यादा देखने में मिलता है वो ये कि एक आदमी ज़िंदा है और अपने किसी रिश्तेदार को डोनेट करना चाहता है हदिया करना चाहता है अपनी किडनी वगैरह देना चाहता है तो ऐसा वो कर सकता है भाई कोई किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाहता है किसी को जान बचाने का मसला है तो जान बचाने के लिए छोटा नुकसान आदमी अपना कर सकता है और ऐसे ही एक आदमी मर रहा है तो मरने के बाद उसका कोई रिश्तेदार उसके किसी वजूक का मुस्तक है किसी की किडनी ख़राब है किसी आँख का मसला है कुछ ऐसा है और अगर आदमी ये कहता है कि मरने के बाद या उसको ऐसे आसार दिखाई दें और वो मरने के बाद डोनेट करना चाहे या उसके वरसा अगर राज़ी हो जाएं तो अपने रिश्तेदारों में यानी उसका जो रिश्तेदार है उसकी जान बचाने के लिए अगर कोई पार्ट उसको डोनेट कर रहा है तो इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है सिर्फ इतनी हद तक मैं आपके सामने बात वाजी करूँगा कि मामला आपस का हो रिश्तेदारों का हो और आदमी किसी की जान बचाने के लिए ऐसा करना चाहे तो वो कर सकता है इस पर ज़्यादातरमा का इतफाक़ मिलता है लेकिन यह कि पेशगी हर आदमी ये कहे कि नहीं मरने के बाद मेरे ये आजा निकाल देना किसी को दे देना ऐसे ही तो इसमें बड़ा इख्तलाफ है बड़ी तोल तुर बहस है उस सिलसिले में मैं फिलहाल आपके सामने कोई बात रखने से कासिर हूं। बस दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आम हैं हमारे सामने पेश आती हैं उसकी मैंने वजहत की है कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने किसी पार्ट को अपने किसी रिश्तेदार के लिए हबा करना चाहे उसकी जान बचाने के लिए तो ये कर सकता है ज़्यादातरमा का इस पर इंतफा ऐसे ही मरते वक्त या उससे पहले अगर आदमी ये कहते अपने किसी रिश्तेदार ही के तलुक़ से वो वसीयत करता है वो डोनेट करता है अपने किसी आजा को तो उसकी भी गुंजाइश है बाकी जो दूसरी है अख्तिलाफ़ इस तो इसमें भी है लेकिन जो आम सूरतें उसमें शदीद अख्तलाफ है और बहुत ही उलझी हुई भैस हैं। मैं फिलहाल कुछ भी कहने से इस सिलसिले में इतनी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसमें कुछ बातें हो सकता है आपके लिए काफी हों और मजीद मालूम के लिए आप लोकलमा से या किसी माहिर शख्स से मिल के पूरी तफसी हासिल कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं सलामकुम मैं मोहम्मद इमरान झारखंड गिरड ज़िला से शेख मेरा ये सवाल है मेरा एक दोस्त है वो निकाह करना चाहता है लेकिन उसका वालदे जो है वो कहता है कि बग़ैर जहेज़ के हम शादी नहीं करेंगे हमारे बाप दादा से पुरखों से चली आ रही है कि बग़ैर जहेज के निकाह नहीं करेंगे उसका वालदे का ये कहना है तो शेख वो लड़का अकाब क्या करें क्या वो मजबूरन जहेज ले सकता है ये हमारे भाई साहब इनका सवाल ये है कि एक लड़का शादी करना चाहता है और उसके बाप उसको मजबूर कर रहे हैं जहेज लेने पर उसका बाप कहता है कि ये हमारे पुरखों की परंपरा है हम जहेज लेते देते आए हैं इसलिए बेटा तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम्हारी शादी में भी जहेज लेना ही लेना है तो ऐसी सूरत में बच्चा क्या करे क्या मजबूरा वो जहेज़ ले सकता है कि नहीं ये भाई साहब का पूछना है तो देखिए यहाँ मजबूर जहेज़ लेने की ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है जहेज़ लेना एक बहुत बड़ा पाप है गुनाह है और हमारे उर्फ में जब ये कहा जाता है जहेज़ लेना तो जाहिर है कि वो जो ओ बरबरीत का मामला होता है वही मुराद है बाकी ये कि किसी ने अपनी बेटी को कभी आम हालात में कुछ दे दिया वो अलग चीज़ है लेकिन हमारे यहाँ जो एक रस्म बन चुकी है और जो आम सूरत हाल है उसमें जुलन ही ये काम होता है खास तौर से जो आपकी गुफ्तु है कि वो कहता नहीं हमारे ख़ानदान की परंपरा है लेना ही लेना है तो जाहिर है कि ये जुल्म है इसमें तो ज़रा बराबर कोई शक नहीं तो यहाँ पे जुल्म है मासीत है इसलिए बेटा अपने बाप की अतात नहीं कर सकता ये उसूल अपने जहन में रखें कि ये बाकायदा क़ायदा है कि लाता ये बाकायदा कायदा है और बायदा इन्हीं अल्फाज के साथ बाज़ रिवायतें भी आई हुई हैं और इस मफहम के साथ तो कई रवायतें आई मसलन सोन तिरमिजी की रवायत है एक हज़ार सात सौ सात कहते हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया असम कि एक मुसलमान को एतात करनी चाहिए यानी जिनकी एतहत का हुक्म है चाहे वो बाप हो माँ हो हाकिम हो आलिम हो बड़े लोग होंताज हो तो जिनकी भी एतावत का हुक्म है उनकी एतात करना चाहिए फिर महब्बा चाहे वो हुक्म पसंद आए वह करी है या नापसंद हो यानी बाप ने अगर किसी चीज़ का हुक्म दिया है तो हमको चाहे वो अच्छा लगे या अच्छा ना लगे हमें बाप की एतात करनी चाहिए चाहे हमारे दिल को वो अच्छा लगे या ना लगे लेकिन कब जब बाप का कहना सही हो जब बाप अपनी जगह पर सही कह रहा हो या ये कह लें कि बाप को गलत साबित करने की कोई दलील आपके पास ना हो आपको पसंद नहीं आ रहा लेकिन यह कन्फर्म नहीं है कि बाप गलत ही कर रहा है तो ऐसी सूरत में या कह लें कि कोई इश्तहादी मामला है तो ऐसी सूरत में बाप की एतात करनी चाहिए लेकिन शर्त क्या है मालम यु उमर बे जब तक कि गुनाह का हुक्म ना दिया जाए फ इन बत फ लेकिन अगर किसी को हुक्म दिया गया मासियत का गुनाह का तो फिर ऐसे हुक्म को न तो सुना जाएगा न उसकी एतात की जाएगी ये उसूली बात है सोंतरवि और बहुत सारी अहादीस में ये बात बतौरी बयान हुई है कि जिनकी भी एतात का हुक्म है वो इस बात से मशरूत है कि वो अच्छे कामों का हुक्म दे रहा हूं अगर वह गुनाह का काम करने के लिए कहेंगे चाहे बाप हो माँ हो कोई भी हो तो ऐसे मामले में उनकी एताहत नहीं की जाएगी और ये जो मसला है जहेज़ का ये खुल्लम खुल्ला गुनाह का काम है इसलिए बाप की एताहत बिल्कुल भी नहीं की जाएगी बाप का कहा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा यहाँ हरगिज़ नहीं कह सकते कि बच्चा जो है मजबूर है बाप के सामने बच्चा मजबूर नहीं हो सकता शादी जवानी में होती है जवान हो गया बच्चा तो ऐसी सूरत में वो मजबूर नहीं है वो भी जहेज लेने के लिए मजबूर हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है बहुत कर सकता है तो ये मजबूरी की बात इस लिहाज से हो सकती है कि बच्चा अपने बाप पे डिपेंड है और शादी के सारे अखराजात बाप अदा कर रहा है तो वहाँ पे बेचारा मजबूर है क्या करे लेकिन ऐसी सूरत में बच्चे के लिए एक रास्ता ये हो सकता है कि वो अपनी शादी डिले कर दे खुद अपने खर्चे से अपनी शादी करे अपना बंदोबस्त करे तो जब बाप का खर्च नहीं होगा उसकी शादी में तो फिर उसके फैसले चलेंगे और कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकता है तो यहाँ पे कोई उज़्र नहीं है बाप के ऊपर डिपेंड हो बाप के खर्चे से शादी कर रहा है अपने खर्चे से किसी भी सूरत में हराम और नाजायज काम में बाप की एता बेटा नहीं कर सकता यहां कोई भी मजबूरी नहीं है देखिए ये जहेज की बात है आज हमारे माशरे में बच्चे बाप की कितनी एतात करते हैं पूरी दुनिया जानती है दूसरे जो मामलाते हैं उसमें बाप कुछ कह रहा होता बच्चा कुछ कर रहा होता यानी एक नहीं सैकड़ों काम में बेटा बाप की नाफरमानी कर रहा होता है जो कि बाप जायज़ बोल रहा होता या ना नहीं कर रहा होता और जहेज़ के बारे में यह कहना कि नहीं मजबूरी में ले सकते हैं बड़ी अजीब बात है क्या वाकई कोई ऐसा बेटा इतना फरमा बरदार है कि उसने आज तक बाप का कोई हुक्म नहीं टाला बाप की हर बात मानी है और इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया कि अब ये बात भी उससे कही आ रही है अगर ऐसा होता तो भी उसके लिए जायज़ नहीं होता लेकिन ऐसा है नहीं आमतौर से मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन उमूमी जो सूरत हाल है वो यही है कि आज के बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते और कहीं पर जो चीज़ गलत होती है वो उसको हासिल करने के लिए बाप के हुक्म को बतौर ढाल बतौर बहाना पेश करते हैं ये बड़ी अजीब बात होती है जैसे कुछ औरतें हैं ना वो शौहरों का कहना नहीं मानती उनकी एतवाद नहीं करती हैं लेकिन अगर बेपर्दगी की बात हो और कुछ बुराई की बात हो नहीं हमारे मियाँ साहब कहते हैं ऐसे करना हमारे शोहर का दबाव हो मैं क्या करूँ वाह भाई अगर बीवी सुबह शाम शोहर की अतात करे तो समझ में आता है कि शोहर कोई गलत बात कहे और वहाँ बीवी अपनी मजबूरी बयान करे हालांकि वहाँ भी बीवी शोहर की अतात नहीं कर सकती अगर शोहर गुनाह का, का काम कर रहा है लेकिन सुबह शाम शोहर की नाफरमानी हो और बेपर्दगी के बारे में ये कहना नहीं हमारे मियाँ ऐसा हुक्म देते हैं वही हाल उन बच्चों का है कि सुबह शाम वालदेन की नाफरमानी है और जहेज़ की बात नहीं हमारे अब्बा साहब का हुक्म है का हुक्म है एक हुक्म आप नहीं मानते हो और इस मामले में जब कोई गुनाह का काम करना हुआ तो उनके कंधे पे सारी जिम्मेदारी डालना चाहते हो तो बिल्कुल आराम होना जायज घर से कोई बेटा अपने बाप का कितना ही फर्माबरदार क्यों ना हो और बचपन से लेकर आज तक किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी ना की हो लेकिन फिर भी जहेज के बारे में वो बाप की इताअत नहीं कर सकता है ये गुनाह का काम उसकी बात बिल्कुल उसको नहीं माननी हो चोट पे उसको मुखालफत करनी चाहिए उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास ऑडियो में कुछ सवाल उनको देखते हैं देखते हैं अगला सवाल अलमैकम वरहि वर्कू जी मेरा नाम मीलाद है मेरा यही सवाल है कि ये जो मेरा नाम है मीलाद क्या ये जायज़ है कि नहीं ये मेरा नाम अब डॉक्यूमेंट से भी लिंक है अब आप बताइए कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ एक भाई साहब कहते हैं मेरा नाम है मीलाद ऐसा सुनने में आ रहा है कहते हैं मेरा नाम है मीलाद अब ये नाम कैसा है दूर से कि नहीं अब मैं क्या कर सकता हूँ कहते हैं इनके जो भी कागजात हैं उन पर ये नाम है तो देखिए मीलाद नाम ये बिल्कुल ही बेजोड़ नाम है किसी आदमी का नाम रखना मीलाद क्या मतलब भाई ये शायद जो लोग ईद मिलादुलनबी मनाते हैं तो उस हवाले से किसी ने नाम ले लिया होगा मीलाद ये बिल्कुल लायानी नाम है मिलाद मतलब पैदाइश क्या मतलब किसी बच्चे का ये नाम रखना मिलाद कोई जोड़ नहीं है अजब बेजोड़ बात है ये। तो इस तरह के बेकार और लायानी और मोहमल अल्फाज से किसी को मौसम नहीं करना चाहिए यह नाम रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है ये नाम रखना बिल्कुल भी मुनसर नहीं है किसी का नाम ऐसा नहीं रखना चाहिए मिलाद माने पैदाइश पैदाइश इस लफ्ज से कोई किसी का नाम रखता है तो ये आजकल मामला ये है कि लोगों को अल्फाज के मानी से लेना देना नहीं हो कुरान खोलते हैं वो कोई भी लफ्ज अच्छा लगा उससे जो है मौसू कर देते हैं जैसे एक नाम बहुत सुनने में आता लड़कियों का मंतशा अस्ताफरल मंतशा कुछ कहाँ से नाम लिया तो कहेंगे कुरान में है ना और तो इज़्जो मंतशा तो इस तरह से अजीब वरीब नाम उठा लेंगे कुरान से तो एक आलिम हैरान रह जाता है कि ये कौन सा लफ्ज आ गया तो सामने वाला अरे कहता है कि अरे आपको नहीं पता मौलाना ओके ये तो कुरान में है पूछेगा का कुरान में जब कहता है मंतशा तब वो अपना सर पकड़ता है कि इसने क्या कर दिया किसको एक लफ्ज़ बना दिया हालांकि मंतशा कोई वर्ड नहीं है कोई लफ्ज़ नहीं है मन अलग है और तशा अलग है आखिरी टुकड़ा लेके और एक जो है वर्ड बना दिया एक नाम बना दिया तो भला कौन उसको समझ सकता है कि ये कौन सा वर्ड है ऐसे ही ये लफ्ज़ मिलाद ये भी किसी को नजर आया होगा पोस्टर में ईद मिलादी वहाँ से पिकअप किया मिलाद का लफ्ज़ और किसी बच्चे का नाम रख दिया तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है नाम नहीं रखना चाहिए बदल देना चाहिए अगर मुमकिन है तो ये नाम बदल देना चाहिए रही बात यह कि पेपर वगैरह पे नाम है तो कौन सा मसला है गज़ट बनवाइए आप और इसको तब्दील करा दीजिए ये नाम तब्दील भी हो सकता है कोई मसला नहीं है बहुत सारे लोग नाम तब्दील कराते हैं तो नाम गलत है तो आप दूसरा नाम मंतखब कर सकते हैं नाम चेंज कर सकते हैं कोई मसला नहीं कागजात पर भी आपका नाम बदल सकता है और अगर नहीं बदलता है किसी वजह से तो ठीक है आप पेपर पे ही नाम रहने दीजिए लेकिन पुकारने के लिए दूसरा नाम इस्तेमाल कीजिए लोगों के सामने दूसरे नाम से मुतारफ हुई आज हमारे बीच में कितने सारे लोग हैं कि उनका असली नाम पेपर पे नाम कुछ और है लेकिन दुनिया उन्हें किसी और नाम से जानती है उनका कलमी नाम होता है कोई शायर है तो अपना एक अलग नाम रख लेता है कोई कलमकार है अपना अलग नाम रख लेता है और उसी नाम से वो मशहूर हो जाता है उसका असल नाम गुम हो जाता है तो दूसरा कोई अच्छा नाम भी चुन सकते हैं अगर कागजात से इस नाम को तब्दील करना मुमकिन ना हो तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं सलामकुम वरह वर्क कह रहे हैं कि शेख बिल्ली का बिजनेस करना कैसा है बराए मेहरबानी जब आपके मुंतजिर हूँ ये हमारे भाई साहब हैं इनका कहना है कि बिल्ली का बिजनेस करना कैसा है बिल्ली एक जानवर है उसको बेचना खरीदना उसकी तैयार करना कैसा है तो देखिए हमारी नज़र में जो बात दुरुस्त मालूम होती है वो यही कि ये हराम और नाजायज है इसकी कोई गुंजाइश नहीं क्यों इसलिए कि सही मुस्लिम की हदीस है हदीस नंबर वन फाइव सिक्स नाइन अब ज़ुबैर की रवायत है वो कहते हैं कि साल तो ज़ाबिरन जाबिर कल वसी कहते हैं कि मैंने जाबिर रज़ी से पूछा कुत्ते और बिल्ली की क़ीमत के बारे में कि कुत्ता और बिल्ली की कोई कीमत लगाए यानी कोई बेचे तो इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया नबी सालिका तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर डांट डपट किया नापसंद किया इसको ये मुस्लिम की रवायत है और इसी तरह से सोना नबी दाऊद सोन तिरमिजी वगैरह की रवायत है कि जाविर बिन अब्दुल्ल रज़ी नुमा रवायत फ़रमाते हैं कि नहाँ रसोल सनकलब वन्नौर कि अल्लाह के नबी सल वसम ने कुत्ते कीमत और सिन्नौर यानि बिल्ली कीमत से मना फरमाया है तो ये दोनों हदीसें सही हैं और अपने मफह में बिल्कुल वाज हैं बहुत ही क्लियर हैं कि कुत्ते को नहीं बेचा जा सकता है और बिल्ली को नहीं बेचा जा सकता कुत्ते और बिल्ली की तजारत नहीं की जा सकती है तो इस बात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है इसलिए इस पे अमल नहीं हो सकता कोई बिल्ली ऐसे कहीं से पकड़ के पालना चाहे तो पाल सकता है मसला लेकिन यह कि खरीदो फरोख्त करना बेचना खरीदना उसकी तजारत करना तो इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है इसकी तजारत नहीं कर सकते उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलाम वालेकुम शेख साहब अगर किसी का पैसा हराम तरीके से कमाया हुआ है और अगर वो किसी को मदद करने के लिए वो पैसा देता है ज़रूरतमंद को तो वो पैसा लेना उसके लिए कैसा है ये एक भाई साहब का सवाल है कहते हैं किसी ने हराम तरीके से पैसा कमाया है और उसके जरिए किसी की मदद करना चाहता है तो वो ले सकता है कि नहीं तो देखिए हराम तरीके से जो कमाया है उसकी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं एक ये है कि एक आदमी के पास हलाल और हराम मिक्स है कुछ हराम काम भी करता है कुछ हलाल काम करता है और जो पैसा दे रहा है उसमें यह तय नहीं कि कहाँ से दे रहा कुछ पता नहीं ऐसे मदद कर रहा है तो ले सकते हैं कोई मसला नहीं लेकिन एक दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि जो हराम माल है उसका उसके बारे में पता है कि उसने कहाँ से लिया मसलन ये कि मालूम है कि फला से चोरी किया है आपको पता है कि चोरी का माल है तो फिर वो मदद नहीं ले सकते अगर चोरी का माल है कहीं से लूटा हुआ है किसी से ठगा हुआ उसका नहीं है किसी और का था और हड़प करके रखा हुआ है गसब किया हुआ है बहन का हिस्सा था वो लेके बैठा हुआ है तो इस तरह का माल अगर उसके पास है और फिर उससे वो मदद करना चाहता है तो मदद नहीं ले सकते क्योंकि ये माल इसका जो असल मालिक है यह गसब करके मालिक नहीं बन सकता इसका जो असल मालिक है उसका हक हाँ है और इस माल को उस तक लौटाना ये लाजिम है ज़रूरी है फर्ज है आदमी तोबा भी करेगा तो भी ये माल लौटाना होगा जहां से इसने लिया है इसलिए किसी को पता हो कि ये दूसरे का माल इसके पास है उससे मदद करना चाहता है उसकी मदद नहीं ले सकते हैं ऐसी सूरत में यह जायज़ नहीं होगा बाकी अगर किसी के पास हलाल हराम दोनों तरह की कमाई है और वाजे नहीं है कि कौन से माल से आपकी मदद कर रहा है तो वो मदद ले सकते हैं उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरा नाम रिजवान है मेरे दो सवाल है पहला सवाल ये है कि सुलह उदेबिया के दौरान जो साहबा इकराम ने रसुल्ला सल्ला वसम के हाथ पर बैत की थी उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो उनसे राजी है तो क्या सिर्फ़ इन साहबा के नाम के साथ रज़ी अल्लाह लगाना चाहिए या दीगर साहबा के नाम के साथ भी दूसरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ अशरा मुबशरा को ही ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी गई थी या इनके अलावा और सहाबा भी है जजाकल्ला खैर ये हमारे भाई साहब हैं इनका पूछना ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहते रिजवान के मौके पर साहब कराम के बारे में जो कहा था कि अल्लाह तीन इनको माफ कर चुका है यानी उनकी जन्नती होने की बशारत दी थी तो क्या सिर्फ इन्हीं साहब कराम को रज़ी लून कहेंगे या बाकी तमाम साहब कराम को रजीम कहना चाहिए तो देखिए इस सवाल का जवाब ये है कि तमाम के तमाम साहब कराम को रज़ी अल्लाम कहना चाहिए रज़ी ला का जहाँ ये माना होता है कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ यानी ख़बर वहीं ये माना भी होता है दुआ कि अल्लाह तै उनसे राज़ी हो जाए तो घर किसी साहबी के बारे में कुरान या हदीस में ये सराहत नहीं है कि अल्लाह ताली इनसे राज़ी हो गया है ये जन्नती हैं यानी ख़ास बेतन किसी साहबी के जन्नती होने की सराहत कुरान हदीस में नहीं है तो भी उनको ऱी लाऊ या ऱीन कह सकते हैं क्योंकि वो दुआया जुमला है दुआिया कलमा है कि अल्लाह इनसे से राजी हो तो ये कहने में कोई मसला नहीं है दुआ देने में कोई हल नहीं और ये जो लफ्ज़ है ये जो जुमला है ऱी ये साहब कराम के लिए एक ख़ास पहचान बन चुका है इसलिए हमें सहाबा के अलावा किसी और के लिए ये नहीं कहना चाहिए अगर जायज़ है किसी और के लिए हम कह भी सकते हैं दुआ करती हुए कभी कभार लेकिन चूंकि ख़ास साहब कराम के लिए यह जुमला एक तरह से पहचान बन चुका है इसलिए हमें सिर्फ साहब कराम के लिए ही रज़ी अल्लाह कहना चाहिए तो चाहे बहते रिजवा वाले साहब कराम हो या कोई भी सहाब क़राम हो कोई भी साहबी हो छोटे से छोटा साहबी क्यों ना हो एक कम उम्र साहबी क्यों ना हो सहाबी है तो रज़ी अल्लाह कहना चाहिए इसमें कोई हरज की बात नहीं दूसरा जो आपका सवाल है कि अशर मुबशरा ये जो टॉप टेन सहाबा थे दस वो सहाबा जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी क्या सिर्फ़ वही जन्नती हैं उन्हीं को जन्नती कहना चाहिए या दूसरे भी कुछ साहब कराम हैं जिनको ख़ास करके जन्नती कहना चाहिए तो देखिए ये सिर्फ दस सहाबा नहीं हैं जिनको जन्नती कहा गया है इन दस सहाबा की खसूसियत ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही नशिस्त में एक ही मौके पर इन दसों के लिए जन्नत की बशाती है यानी एक ही मौके पर इन दसों को कहा है कि जन्नत लेकिन सिर्फ इन्हीं को जन्नती नहीं कहा है इनके अलावा और भी सब ग्राम की एक बड़ी तादाद है जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा है मिसाल के तौर पर अहले बदर हैं तो अहले बदर की लड़ाई में जितने सहाबा ने भी शिरकत की सब के सब जन्नती हैं और ऐसी बहत रिजवा अल्लाह के नबी वसल्लम से वैद की इस मौके पर जितने भी सहाबे कराम ने सब के सब जन्नती हैं यानी एक अमूमी शक्ल में ग्रुप की शक्ल में अल्लाह के नबी वसम ने एक मुन अदद की शक्ल में अल्लाह के नबी वसम ने सबको जन्नती जन्नति करार दिया है अल्लाह ताला की वजह से और ऐसे ही इनफरादी तौर पर भी कई वाक़ मिलते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लासल्ल ने किसी साहबी को जन्नती करार दिया है जैसे कि वो मशहूर रवायत है कि अल्लाह के नबी सल वसम जब बयान फरमा रहे थे कि कुछ लोग होंगे जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे तो एक सहाबी थे उकाशा रज़ी अल्लाह खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला मुझे उन्हीं लोगों में से बना दे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अन तमिन हूँ आप उन्हीं में से तो ऐसे और भी कई क़राम हैं जिनके जन्नती होने की बशारत अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़े से दी है तो सिर्फ़ अशर मुबर ही नहीं है उनके अलावा भी और कई सहाबे कराम हैं जिनको जन्नती कहा गया लेकिन इन दस को जब यह कहा जाता है अशर मुबर इन दस को अलग से इसलिए जिक्र किया जाता है क्योंकि इनका मकाम अलग है और अल्लाह के नबी सल्ह वसलम ने एक ही नश्त में एक ही साथ इनको जन्नत की बशारत दी है इसलिए इनको ख़ास करके दस एक साथ जिक्र किया जाता है जैसे अहले बदर अहले बदर को एक साथ जिक्र किया जाता है अहले बैत बतज्मा को एक साथ जिक्र किया जाता है तो ये अलग अलग मौके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक इज्तमाही बशारत दी है तो उस लिहाज से ख़ास खास, -खास ग्रुप का जिक्र किया जाता है वरना और भी सबक्राम है जिनको जन्नत की बशारत दी गई उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा नाजरीन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपके सामने वाजे कर दें कि अगर आप भी अपने सवाल हम तक भेजना चाहते हैं और उनके जवाब मालूम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में ऑडियो में या लिख कर लेकिन याद रहे कि जो सवाल हमको वीडियो या ऑडियो में मिलते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान रहे कि आपका सवाल मुख्तसर हो कम से कम अल्फाज पर मुश्तमिल हो इसी तरह आपका सवाल बामकसद हो उसके जवाब की किसी को जरूरत हो उसका ताल्लुक़ अमल से हो इबादत से हो इसी तरह सवाल पूछते ही अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख़्याल करते हुए अगर आप अपने सवाल हम तक भेजेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुंचाएं इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुंचाएं नाजरीन आगे बढ़ते हैं कुछ और सवाल हमको देखते हैं देखते हैं अगला सवाल असलकम वक् शेख एक मसला है जायदाद के ताल्लुक से वो ये है कि एक चाचा का इंतकाल हो गया है तकरीबन उन्होंने डेढ़ करोड़ रुपये की रकम जायदाद की सूरत में छोड़ी है इस जायदाद में उनकी बीवी है औलाद कोई नहीं है तो सवाल यह है कि बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा और भतीजा और भतीजी को और भांजा और भांजी को कितना हिस्सा मिलेगा ये भी याद रहे कि मरने वाले पर कुछ भी कर्ज नहीं है ना ही उन्होंने किसी के हक़ में कोई वसीयत की है इसी तरह से मरने वाले शख्स के सगे भाई बहन का भी इंतकाल हो चुका है वालदेन का भी इंतकाल हो चुका है ये एक भाई साहब का सवाल है विरासत से मुतलिक कहते हैं कि किसी शख्स का इंतकाल हो चुका है उसको उन्होंने चचा कहा तो किसी के चचा हो सकते हैं बहरहाल मई है एक किसी का इंतकाल हो गया है अब इंतकाल के बाद उनके वारसिन में बीवी है बीवी यानी उनके करीबी वारसिन में बीवी है और बीवी के अलावा करीब का कोई वारिस नहीं है यानी माँ बाप भी नहीं है जैसा कि इन्होंने कहा है औलाद भी नहीं है जैसा कि इन्होंने कहा है हती की भाई बहन भी नहीं है जैसा कि इनके अल्फाज से पता चलता है कि भाई भी नहीं है बहन भी नहीं है हाँ भतीजे और भतीजियाँ हैं और तो भांजे भांजिया भी हो सकती तो ये इन्होंने कहा है कि एक शख्स का इंतकाल हो गया है और वारासन में बीवी है और वालदे नहीं है औलाद नहीं है भाई बहन भी नहीं है हाँ भतीजे हैं भतीजियां हैं यानी भाई के बेटे बेटियाँ हैं बहन के भी बेटे बेटियाँ हो सकते हैं तो विरासत कैसे तकसीम होगी तो देखिए इस सूरत में जिनका भी इंतकाल हुआ है उनकी जायदाद का चौथाई हिस्सा बीवी को मिलेगा क्योंकि अल्लाह तला ने कुरान मजीद में सूर् नार आयत बार में क्या वह मतरक तुम इल्लम वलद कि अगर तुम्हारी औलाद नहीं है तुम्हारा इंतकाल होता है तुम्हारी मौत होती है तो तुम्हारी बीवियों को मिलेगा चौथाई तो एक बटा चार हिस्सा यानी डेढ़ करोड़ है इसका चौथाई इसका आप चार से तक़सीम करते हैं जो हासिल आता है चौथाई ये मिलेगा बीवी को एक बटा चार मिलेगा बीवी को क्योंकि औलाद नहीं है दलील सुर सूर्य चार आयत नंबर बारह और बीवी को चौथाई देने के बाद बाकी जो बचेगा यानी एक बटा चार दे दिया बीवी को और तीन बटा चार जो बचेगा चौथाई बीवी को देने के बाद जो कुछ बचेगा वो जाएगा करीबी मुजक्कर को यानी ये जो शख्स फौत हुआ है उसका जो भी करीबी मुजक्कर अवेलेबल है उसको बाकी मिलेगा करीबी मुजक्कर मेल के चैन से अब इनके वालदेन नहीं है औलाद भी नहीं है भाई बहन भी नहीं है तो करीबी मुजक्कर जो इसके बाद हो सकता है वो भाइयों की औलाद है भाइयों की औलाद इसलिए ये जो कुछ बचेगा यानी तीन बटा चार यानी बीवी को चौथाई देने के बाद जो कुछ बचेगा वो भाइयों के बेटों को यानी भतीजों को मिलेगा भतीजियों को नहीं किसको मिलेगा भतीजों को जो भाई के सगे बेटे हैं भाई के अपने बेटे हैं उनको मिलेगा इसकी दलील सही बुखारी हदीस अधिस छः हज़ार सात सौ बत्तीस अब अब्बास रजीत कहते हैं कि रसूल ने फराइज, यानी में जो मुतन हिस्से हैं वो जिनके हैं उनको दे डालो तो इस केस में बीवी का चौथाई हिस्सा मुतन है और बीवी को हमने दे दिया उसके बाद आगे हदीस है मुतन हिस्सा जिनका उनको देने के बाद जो बचता है तो यहाँ पे बीवी को हमने चौथाई दिया चौथाई देने के बाद जो तीन हिस्सा बचा है इसको क्या करना है हदीस कहती है फल औला रजुलिन जक़र यह बचा हुआ हिस्सा जो करीबी मुजक्कर होगा रजुलिन जकर यानी मयस से मिला हुआ जो करीबी मुजक्कर होगा यानी सबसे करीब मुजक्कर वो नहीं तो उससे मिला हुआ मुजक्कर जो करीबी मुजक्कर होगा उसको देंगे तो यहां इस केस में करीबी मुजक्कर होता है भाई का बेटा क्योंकि भाई भी मुजक्कर है उसका बेटा भी मुजक्कर है तो भाइयों के जितने भी बेटे होंगे एक भाई का बेटा है दूसरा जितने भी भाई हों सबके जितने भी बेटे हैं कुल मिलाकर दो तीन चार पाँच जितने भी हों ये बचा हुआ माल उन सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा अगर एक ही भतीजा है तो पूरा उसी को दे देंगे दो है तो दोनों को आधा आधा दे देंगे तीन है तो तीनों को बराबर बराबर दे देंगे भतीजिया जो हैं उनको नहीं मिलेगा क्योंकि ये हदीस जो है भतीजियों को शामिल नहीं है राजुलिन जकर सिर्फ मेल की बात कर रही है मुजक्कर होना चाहिए और भांजे और भांजियों को भी नहीं मिलेगा क्योंकि भांजे और भांजिया ये ज़क़र ये मेल के से से नहीं जुड़ते बल्कि वो मुआनस आ जाती बीच में बहन, बहन, की है। बीच में बहन आ गई इसलिए भांजे और भांजिया इस हदीस के तहत नहीं आ सकते ठीक है तो खुलासा ये है कि जिनका इंतकाल हुआ है उनकी कुल जायदाद का चौथाई उनकी बीवी को बाकी जो कुछ भी बचता वो सब उनके भतीजों को के लड़कों को बस उसके अलावा और किसी को नहीं जाएगा उम्मीद है कुछ और सवाल आते हैं उनको भी देखते हैं देखते हैं अगला सवाल असलकुम मेरा नाम परवेज है मैं पूर्णिया बिहार से हूँ मैं मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि मेरे माशरे में गुरु फलोन चल रहा है जैसे कि चालीस हज़ार का लोन दिया जाता है और आठ सौ अस्सी करके बावन सप्ताह में लिया जाता है बावन सप्ताह में पैंतालीस हज़ार सात सौ साठ रुपया होता है क्या ये इस पैसे से हम बिजनेस कर सकते हैं या कोई काम के लिए ले सकते हैं या नहीं मुझे इसका सवाल चाहिए अस्सलाम वालेकुम भाई साहब हैं इनका सवाल आपने भी सुना मुझे बिल्कुल सवाल वाजहे नहीं लग रहा है बस सवाल में एक चीज सुनाई दे रही है लोन का लफ्ज कि इन्होंने कहीं से लोन लेने की बात की है कर्ज लेने की बात की है और उस कर्ज का एक तरीका इन्होंने बताया है जब आपने उसको लोन कहा है कर्ज कहा है तो आमतौर से इसका मामला सूद ही पर खत्म होता है इसलिए इस तरह के कर्ज लेने बिल्कुल जायज़ नहीं है मैं नहीं जानता कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई ऐसा सिस्टम है कि आपको बगैर सूद के कोई कर्ज देता है इसलिए बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है ये जो सूदी कर्ज है इसकी ज़र्रा बराबर कोई गुंजाइश नहीं है अगर ऐसे कोई कर्ज़ देता आपको बगैर सूद के कि आपको दे दिया पचास लाख रुपया तो आपको पचास लाख ही वापस करना है बाद में कुछ नहीं वापस करना आपने कुछ उसके पास बतें जमा कर दिया दे दिया तो कोई मसला नहीं है लेकिन यह कि किसी तरह का भी फायदा उठाता है तो ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है आपने बहुत ही मुजमल अंदाज़ में बात रखी है मैं समझ नहीं सका वाज नहीं हो सका लेकिन आपके सवाल में जो लोन का लफ्ज़ सुनाई दिया उससे यह समझ में आता है कि किसी तरह का आप कर्ज़ उठा रहे हैं और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कैसे कर्ज दिया जाता है वो सूद पर मुश्तमिल होता है इसलिए इसकी गुंजाइश नहीं है अगर आपका सवाल कुछ और है तो आप दोबारा सवाल कर सकते हैं अपने सवाल को और वाजान अंदाज़ में पेश कर सकते हैं लेकिन गालिब गुमान यही लग रहा है कि ये सूदी मसला है इसलिए इससे आपको दूर रहना चाहिए उम्मीद है कि बात आपके लिए वे मुझे घड़ी तोहफे में आई ये पहनना जायज होगा या नहीं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ खालिद गोल्ड नहीं अठारह कैरेट है बराए करम रहनुमाई कीजिए जरा खैर ये हमारे रिजवान भाई हैं ये कहते हैं कि इनको कोई घड़ी मिली है उसमें कह रहे हैं कि गोल्ड भी है सोना भी है अलबा मुकम्मल सोना नहीं है कुछ सोना है तो पहन सकते हैं कि नहीं तो देखिए भाई इसकी गुंजाइश नहीं अगर उसमें सोना है वो कितनी भी मकदार में है लेकिन है वो सोना यानी सोना भी शामिल है उसकी बनावट में तो ये मर्दों के लिए जायज़ नहीं है और हदीसें बड़ी ही मारूफ व मशहूर हैं वो सब के सामने वाजे इसलिए आपको ऐसी घड़ी नहीं पहननी चाहिए उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं मोहतरम शेख साहब असल दौरे हाजिर का सबसे बड़ा शिरक क्या है आखिरत से लापरवाही सबसे बड़ा नुकसान है सूरे कैफ में कौन से शिरक का जिक्र किया गया है जबकि उसमें किसी भी देवी देवता का जिक्र नहीं है फिर सर शब्द शादा बाग वालों को कौन से शिरक का फिक्र लाक हुआ अलैकुम नादरन ये एक सवाल है और शायद इससे पहले भी ये सवाल कर चुके हैं इनके सवाल में कुछ नसीहतें भी होती हैं जैसा कि पहले तजर्बा हो चुका है अच्छी बात है आप हज़रा सवाल कर सकते हैं साथ में राय मशवरा भी दे सकते हैं नसीहत भी कर सकते हैं इनका पूछना ये है कि सबसे बड़ा शिर क्या है सबसे बड़ा शर क्या है तो सबसे बड़ा शिरक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना जिसको शिरक अकबर कहते हैं शिर की दो तकसीम की जाती है शिरक अकबर और शिरक असगर शिरक असगर जैसे रियाकारी वगैरह को शिर कहा जाता है लेकिन हकीकत में वो ऐसा शिरक नहीं होता जो इस्लाम से खारिज कर दे लेकिन शिरक अकबर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कर लेना यह शरिक अकबर है ये बहुत बड़ा शर्क है और अगर इसमें भी आप बड़े शिर के बारे में पूछना चाहते हैं कि ये छोटा बड़ा तो इसमें देखिए छोटे बड़े के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है जो शिरक अकबर है उसमें छोटा बड़ा नहीं चाहे वो मामूली मकदार में किसी ने किया बड़े मेदार में किया वो शिरकी है यानी वो अमल दायरे इस्लाम से बाहर करने वाला है मसलन किसी ने एक बार गैर अल्लाह का सजदा किया किसी ने दस बार किया तो मकदार के बारे में कह सकते हैं कि उसने शिर किया एक दो दिन के लिए या महदूद मकदार में शिर किया अब बाकी शख्स दूसरे ने बहुत ज़्यादा शिरक है ये कह सकते हैं लेकिन छोटा बड़ा नहीं वो शिरक एक वायरस है वो खतरनाक पाप है उसमें छोटा बड़ा नहीं उसकी जो शक्ल भी अख्तियार करें गर को सजदा करना है गर उल्लाह के लिए क्याम करना है गैरुल्ला से मदद मांगना है कोई भी शक्ल आप अपना ली वो शिरक है और उसी दर्जे का वो गुनाह होगा ठीक है तो ये जो आप कह रहे हैं कि छोटा बड़ा शिरकिया है तो उसके तालुस से मैंने वजात किया बाकी आपने जो ये कहा है कि सूर्य कहफ में जो शिरक का जिक्र है कि भाई उस बंदे के पास तो बाघ था वहाँ कोई मूर्ति वगैरह नहीं थी तो वहाँ पे शिरक की बात कैसे आ गई तो आपके जहन में बात होनी चाहिए कि शिरक और कुफ्र इन दोनों का लफ्ज़ एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होता है अगर कुफ्र कहा जाए तो शिरक भी मुराद लिया जा सकता है और शिरक बोला जाए तो कुफ्र भी मुराद लिया जाता है और सूरह कहफ का जब हम मुताला करते हैं तो यहाँ पे कुफ़्र और शिर्क जो दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये दोनों एक ही माने में इस्तेमाल हुई है और यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य कहफ आप पढ़ के देखें यहां पे इसी मामले में इसी वाके में लफ्ज है और लफ्ज शिर का भी इस्तेमाल है जैसे आप देखें सूर्य कहफ सूर्य अठारह आयत नंबर सैतीस और अड़तीस पढ़ें अल्लाह क्या फरमाता है अच्छा बंदा है वो अपने दोस्त को क्या समझाता जो मोमिन है वो काफिर दोस्त को क्या समझाता है कहता है कि का। कि तूने किया उस जात के साथ जिसने तुझको पैदा किया और आगे है लाक ला रबी विक ला रबी अहदा लेकिन ये अल्लाह मेरा रब है मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा हालांकि यहाँ क्या बोलना चाहिए तूने कुफ्र किया मैं कुफ्र नहीं करूंगा लेकिन आप सयाक देखें आयत का साथ ही कहता है कि तूने कुफ्र किया मैं शिर्क नहीं करूंगा मतलब ये दोनों एक ही माने में इस्तेमाल हो रहा है बल्कि इसी वाक्य में आगे, आगे आप चलकर देखें कि वो शख्स जो काफिर था जब उसके बाग पर अजाब आया तबाह बर्बाद हुआ तो क्या बोल रहा उसके अल्फाज क्या थे अल्लाह ने नकल किया वह उही तब समी يقلب كفيه على فيها وهي ويقول يا ليتني لم वही, वही बेरबी आहदा यानी जब उसका बाग तबाह बर्बाद हो गया तो क्या कहता है या ले तनी लम उशरक बेरबी अहदा ये काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना किया होता तो जो बंदा काफिर था उसके लिए देखिए ऊपर कुफ्र का भी इस्तेमाल हुआ है और फिर यहाँ पे शिरक का भी इस्तेमाल हुआ है इसलिए कुफ्र और शिरक ये दोनों हम माना है एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल होता है शेख हलमानी रह ने सिलसिला ज़ईफ़ा जेल नंबर तेरह सफा नंबर दो सौ ग्यारह दो सौ बारह और यहाँ पर पूरी बहस आप पढ़ सकते हैं एक लंबी बहस की है और ये साबित किया है कि शिरक और कुफ्र एक ही है एक दूसरे के लिए दोनों का इस्तेमाल होता है और शेख हल्बानी रहमल्ला ने जहाँ बहुत सारे दलाइल दिए हैं वहीं एक जो सूर्य काफ की आयात है इसको भी पेश किया है कि देखिए यहाँ पे कुफ़र और शिरक़ एक ही माने में इस्तेमाल होता है इस तरह शेख शेखानी रहुल्ला ने यह सिलसिले ज़यफ़ा जल तेरा सफ़ा दो सौ बारह पर नकल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखार वसम की हदीस है अखरिजुल मुशरकिन जजीरतलरबीर अरब कि अरब से मशरकिन को निकाल देना अब क्या यहाँ यह मुराद लिया जाएगा कि सिर्फ मशरकिन को निकालने के लिए कहा गया कुफ़ार इसमें मुराद नहीं है ऐसे ही शेख अल्बानी रहमुल्ला ने कुरान मजीद की एक और आयत पेश की कि अल्लाह तला ने जो कहा है कि इन अल्लाह ला फिर कभी व य फ़िर मादू नदाकलीशा कि अल्लाह तै इस बात को माफ़ नहीं कर सकता कि उसके साथ शिरक किया जाए यानी शिर करके अगर कोई मर गया बगैर तोबा के अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा व यक फिर मदू नदली कलिम याशा और इसके अलावा जो दूसरे गुनाह हैं या इससे कमतर जो गुनाह हैं उनको अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है तो शेख अलबानी रमला फरमाते हैं कि क्या इस आयत की बुनियाद पर कोई यह कह सकता है कि अल्लाह ताला शिर को माफ़ नहीं करेगा खफ़र को माफ़ कर सकता है हरगेज नहीं बल्कि दोनों यहाँ पर शामिल है और ये पूरी बहस आप यहाँ पे शेख अलबानी रमला की इस किताब में पढ़ सकते हैं बहुत ही उमदा बहस की है तो खुला कलामी की सुर कहफ के जिस वाकई की तरफ आपने इशारा किया है कि वहाँ कौन सा शिरक हो रहा था तो वहाँ पे शिरक का लफ्ज़ भी है और कुर का लफ्ज भी है और दोनों एक ही माने में है जैसा कि बहुत सारी आयात में और बहुत सारी जगहों पर दोनों एक ही माने के लिए इस्तेमाल होता है हाँ कहीं कहीं फर्क भी होता है कोई जरूरी नहीं है कि दो लफ्ज जो एक ही माना दें कहीं पे उसका फर्क भी ना हो फर्क भी हो सकता है लेकिन इसके बावजूद भी दो लफ्ज एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं जैसे आप मिसाल के तौर पर समझ सकते हैं इस्लाम और ईमान का लफ्ज इस्लाम और ईमान का मुस्लिम और मोमिन का लफ्ज तो इस्लाम और ईमान तो में मोमिन और मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं बहुत सारी अदीस में आप देखेंगे या आयात में देखेंगे कि मुस्लिम का लफ्ज़ है मोमिन का लफ्ज़ है और एक ही जगह पर एक ही सियात में कभी मुस्लिम आ रहा है कभी मोमिन आ रहा है ऐसे हदीस में भी आ रहा है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है लेकिन कहीं कहीं दोनों में फ़र्क भी होता है इसलिए उलमा ने एक जबता पेश किया है कि ईदा इजतमा तफर रखा व इधा तफर रखा कि अगर इस्लाम और ईमान इन दोनों का जिक्र एक साथ हो तो दोनों का अलग अलग माना होगा लेकिन अलग अलग जगह जिक्र हो तो चाहे इस्लाम कहा जाए चाहे ईमान कहा जाए दोनों का माना एक ही होगा आम तौर से ये जबता पेश किया बादल ने तो खुलासे कलामी की शिरक और कुफर का भी मसला ये है कि कहीं हो सकता है लोगबार से फ़र्क हो लेकिन आम हालात में दोनों का माना एक ही होगा दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा इसलिए सुरय कहाफ में जो शिरक का लफ्ज़ समाल है या कुफर का लफ्ज़ इसमाल है उसमें किसी तरह का कोई इशकाल नहीं है उम्मीद है कि बातें आपके लिए काफ़ी होंगी नाजरिन वक्त तो हो चुका है इसी पर हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं और आखिर में फिर आपके सामने वाजह करते हैं कि अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट लें इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में ऑडियो में या लिख कर लेकिन याद रहे कि जो सवाल हमको वीडियो या ऑडियो में मौसू होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान रहे कि आपका सवाल मुख्तसर हो कम से कम अल्फाज पर मुश्तमिल हो आपका सवाल बाद हो उसका ताल्लुक अमल से हो इबादत से हो इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक इसी के साथ दीजिए इजाजत फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कुछ और सवाल जवाब के साथ दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें